हमको क्या मिलेगा ये काम करके? वही तो यार, हम भी कल से पत्थर तोड़ते हैं, थोड़ा पैसे तो कमाएंगे। लव कहो दे, लव मैरिज, हमको भी नहीं लगे फिर अपने सारे। बहुत किसी की याद आ गई मेरे को। किसकी याद आई? मेरे होते हुए वो इजिया। आपको क्या लगता है मैं काम चोर हूँ? ब्याजन करे भूला बे मौत मरे ले। Hey guys, good morning, welcome back to my channel. I hope आप सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, मेरी तरह स्वस्थ और मस्त होगा। फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गीत खाती व्लॉग्स में। व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7:30 बजे से और धूप बढ़िया सी आ चुकी है। अभी अच्छे से नहीं खिली है, मतलब आ रही है। सूर्यदेव अपने घर से आ ही रहे हैं। तो पाला आज भी बहुत भयंकर वाला पड़ा है यार, ठंडा तो उतना ही हो रहा है दीदी आज में। लेकिन एक सुख है कि आराम से उठने को मिलता है गाँव आने के बाद। मतलब जैसे मैं थल में होती हूँ तो मैं 5 बजे उठ जाती हूँ, तो मुझे फिर अपना काम करना, नहाना धोना, नाश्ता वगैरह बनाना, स्कूल की तैयारी। तो गाँव में होती हूँ तो आराम से 7 बजे आराम से धूप आने के बाद मैं उठती हूँ। ये कुत्ता किसका है यार, काटना मत भाई। हम लोग कुत्ते नहीं पालते यार, पता नहीं हमारे घर वाले कुत्ते क्यों नहीं पालते। मुझे पसंद तो है कुत्ते, अब जब मैं परमानेंट गाँव आऊँगी मैं कुत्ते पालूँगी, एक तो पालूँगी, एक बिल्ली भी पालूँगी। खाना बन गया अपा? किसकी सब्जी बना रहे हो आज? गोभी की, पत्ता गोभी। आप हमारे ब्लॉग में बोलते क्यों नहीं हो? कुछ तो बोला करो, क्यों शरमा रहे हो? मेरे ब्लॉग में बोलते ही नहीं है, पता नहीं क्यों आती है दोनों को इतनी शर्म। मम्मी को भी पापा को भी सिखाना पड़ेगा मुझे अब इनको धीरे धीरे। एक बात तो बताओ पापा, ये कुत्ते की पूछ टेढ़ी क्यों रहती है? क्या आपको पता है इसका कारण? वरदान। तो ये एक वरदान ही है भाई। कड़ाके की ठंड में तेरे को घूमने की क्या जरूरत आ रखी है भाई, क्यों घूम रहे है? जाना। तो दोस्तों मुझे एक बात बताओ कि कुत्ते की पूंछ सीधी क्यों नहीं होती है, मुझे ये जानना है आप लोगों से, क्योंकि मुझे नहीं पता है। बचपन में सुना था कि कुत्ते की पूंछ में कितने भी पत्थर बादो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, सीधी नहीं रहेगी। तो देख सकते हैं आप इसकी पूंछ टेढ़ी है। जैसे कुत्ते की पूंछ ही काट दो जैसे हमने काटा था। हमने एक बार अपने कुत्ते की पूंछ काटी थी। ऐसा कहते हैं कि कुत्ते की पूंछ काटने के बाद कुत्ते बहुत ज़्यादा दौड़ते हैं, तो हमने उसको लीड़ बना दिया था, लीड़ कुकुर बना दिया था हमने उसे। तो हमारे पास जितने भी कुत्ते रहे हैं ना, हमने उनकी पूंछ ही काट दी थी यार पहले से। हाँ अब तो नहीं काटते हैं, हमारे यहाँ बंदर भी बहुत आते हैं ना मेरे मायके साइड, यहाँ तो कोई नहीं पालता है, लेकिन ये मेरे पीछे पीछे ही आ रहा है। इसका विचार ये तो नहीं कहीं मुझे काटने का। एक तो मेरे पहचान का भी नहीं है, पता नहीं किसका कुत्ता आया है हमारे घर आज सुबह सुबह। और एक कुत्ता और आता है, वो कुत्ता ना जब हमारे घर में मीट बनता है, चिकन बनता है, मटन बनता है, मच्छी बनती है, तभी आता है वो। बस हड्डियों की खुशबू जहाँ से उसके पास पहुँचती है नाक में, जैसे ही चिकन बनेगा वैसे ही हमारे घर आएगा। जिस दिन सब्जी होती है उस दिन हमारे घर नहीं पहुँचता वो। यहाँ पर दो चूल्हों में आग जल गई है दोस्तों। एक चूल्हा तो ये है जिसमें दो रखा है जानवरों के लिए, एक चूल्हा ये है जिसमें पानी रखा है नहाने के लिए। पहाड़ी कंटरवा अपनी सेवा देते हुए यहाँ पे, तो यहाँ पर जानवरों को बाहर बांधने की फुल तैयारी हो रही है। सुत्ता डाल दिया है, बस दो तैयार कर रहे हैं पापा। तो यहाँ पे सबके हिस्से हो रहे हैं, सबसे बड़ी गाय जो दूध देती है उसके लिए, ये छोटी बच्ची के लिए, ये बकरियों के लिए, ये याला, ये बकरियों के लिए है। सबसे पहले हमारा टुमकू ही खुलता है गोठ में जाने के लिए भी और बाहर आने के लिए भी, सबसे प्यारा भी यही है। और जब तक इनके सामने दौड़ना रखो ये बाहर नहीं आते। बकरियाँ भी आ गई, चल 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 सीधे जाएंगे देखना ऊपर। चो पाला कम पड़ा है ना आज, कम दिखाई दे रहा है खेतों में। आज हमारे भावर के बूबू आए हैं तब। कैसा लग रहा है फिर आपको हमारे पहाड़ों में? अच्छा लग रहा है, यहाँ को देख के बोलो ना। पत्री गांव हुआ, मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। नहीं अब आप खटीमा वासी हो गए हैं ना? अब हुए नहीं ना, पत्री गांव तो यहाँ हुआ, यहीं जन्म हुआ हमारा, यहीं पढ़े लिखे, यहाँ बड़े हुए। क्यों कहाँ ज्यादा अच्छा कहाँ लगने वाला हुआ फिर? अब तो जहाँ रहे वहीं अच्छा लगने वाला था, लेकिन अब यादें तो साथ में ठहरी। खटीमा में ठंडा ज्यादा हो रहा है पहाड़ में? अभी तो यहाँ हमारे यहाँ तो कोहरा हुआ, कोहरा जब छटेगा तो तब धूप आएगी। अब यहाँ तो बस धूप आ गई तो अब नॉर्मल हो गया। ठीक है यार। क्यों यार ठीक है फिर ना? अब ठीक ही हुआ फिर, अब हवा अच्छी हुई यहाँ वहाँ की अपेक्षा। नहीं आप वहाँ क्यों गए फिर, आपका जाने का कारण बताओ। कारण तो आप बता नहीं सकते ना। खटीमा जाने का कारण ऐसा है कि चले गए, अब वहीं का रोजी रोटी होगी हमारी, वहीं का दाना पानी होगा। क्यों चले गए? हमको भी नहीं ले गए फिर अपने साथ। तो चलो हम कब कर रहे हैं मना कर रहे हैं। थोड़ा तो हमारे बूबू को क्यों नहीं दिया आपने? अरे
तब तो वहाँ जगह ही थी, यहाँ कौन लेता, फिर यहाँ भी तो चाहिए आज नहीं। यहाँ भी सही कह रहे हो, देवता पूजने के लिए पहाड़ी आना है। पहाड़ी आना है, देखा आज एक महीने में फिर हो गया, एक महीने से पहले ही आ गया मैं 25 दिन के बाद। पहाड़ में रहना भी बहुत जरूरी है ना, वरना फिर सभी जो बाहर चले जाएंगे तो पहाड़ में कौन रहेगा। अभी भी इतनी देखो कहाँ, यहाँ जगह ही नहीं है, अब देखो पूरा भर गया, बोले सब पलायन हो गया, पलायन हो गया, कहाँ हुआ, गाँव से जरूर शहर की ओर पलायन हुआ है, शहर में तो इससे ज्यादा आबादी है। यहाँ पर कुछ जानवर बाहर बांध दिए हैं, इनको सूखा चारा डाल दिया है गज्जो पापा ने, और मैं जाती हूँ अब गोट में गोबर निकालने के लिए। यहाँ पर आमा जी भी आ गई हैं बाहर। नहीं यार दोस्तों, मैं उठ चुका हूँ और मैं तैयार हो गया हूँ, मैंने जाना है आज दादाजी लोगों को टूर कराना है मैंने डीडीआर का, और यहाँ पर मेरे पीछे मेरी माता श्री चारा इत्यादि का प्रबंध करते हुए, और जो ब्लॉगर है न जाने कहाँ गई है, जरा ढूंढते हैं उसको। गोट से आ रही आवाज़, गोट हो जाते हैं, जरा कर क्या रही है देखते हैं। गोपुली चाय खाना बंगाल लहरो मेरे गोपू नौ बीसी नोड़ आहा ए राम रे न्यार ए बरबू जय हो तुम्हारे चल रहे हमारे यहाँ हे ठीक है री बड़ी है री हो और ब्याजन करे भूला बे मौत मरले, ब्याजन करे भूला बे मौत मरले, श्यानी का डर ले सब काम करले। आहा के बोलू नहीं बेलचो, और वो मैंने दिखा गोपदा की ब्लॉग में, अरे वाह कला है यार तेरे अंदर है। करना पड़नी घर आ वरन काम यार, न खानी करनी भयो, देखो हाथ गंदे न करन जानू मतलब एक सब काम नहीं भयो। मैं अरे मिलने खा देर में गोबर बन निकालू क्या शाश का कर ले, अब बुढ़ा हंस ले बे शाश, फाजी की बे शाश निक्की बे, अब बुढ़ा से थोड़ा डरा जा लगी बे। चलो तो दोस्तों खा के पचाना भी है तो कुछ काम तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ पराल का लुट्टा है, इसमें से मुझे 15-20 पूले जो हैं पराल के धूप में डालने हैं कल की तरह सुखाने के लिए। जानवर भी इतने नखरीले हो गए हैं कि मतलब ऐसे पराल ख़राब ही हो गया, ये नीचे से चूहा भी खा दे रहा है और खुमसैन टाइप का हो गया है, तो जानवर उसे खाते नहीं है। जब वो कुड़कुड़ाना जैसे हम रोटी खाते हैं ना कुड़कुड़ी वाली, वैसी जानवर भी पराल वैसा ही खाते हैं, तो सूख जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा, उसके बाद जानवर अच्छे से खाएंगे, बर्बाद नहीं करेंगे। तो ये लुट्टा है इसको आधा कर दिया है, और थोड़ा मैं और निकालती हूँ अभी के लिए। पहला लुट्टा जो है मैंने बनाया था और ये पूरा टेढ़ा हो गया है, तो इसमें देखो 3 डंडियाँ लगा रखी हैं इसको सीधा करने के लिए ताकि ये गिरे ना अटके रहे, तो बीच बीच में से निकाल रखा है इसका, और ये दो अभी सुरक्षित हैं, इनको अभी कुछ नहीं करना है, पहले इस लुट्टे का खिलाएंगे। और मैंने थोड़ा बहुत निकाल भी दिया है, ये अब इस वाले आंगन में पूरा फैला देते हैं इसे। जानवरों को दौ देने का टाइम हो चुका है, बाकी सबको दे दिया, बस गाय बची है, इसको उसमें पानी डालना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। लाइन से खा रहे हैं देखो, ये सबसे बड़ी फिर वो फिर सबसे छोटा वो, बकरियां इससे ऊपर वादी हैं, जब तक इनका ये दौ खत्म नहीं होगा ये यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। आज दोनों बुबू मार्केट गए हुए हैं शॉपिंग करने के लिए, तो आज मम्मी और मेरी ड्यूटी है घर में रहने की, अम्मा भी नहीं है घर पे आज, जहाँ गई होगी वॉकिंग पे घर पे नहीं है। तो शेखर बुबू और छोटे बुबू तीनों मार्केट गए हुए हैं, तो घर पे मम्मी और मैं, पापा भी दुकान से भी आए नहीं है। तो मम्मी खाना बना रही है, मैं देखती हूँ इनको दो खाने के बाद थोड़ा चारा डालना है, फिर मैं भी आगे साइड जाती हूँ, काफ़ी सारे कपड़े धोने हैं मुझे, वो जो थक गई यार मैं, घर के छोटे मोटे कामों में थका जाता है। वैसे जंगल जाओ तो एकार हो जाता है, मतलब जंगल का काम होता है जो वो दिखता भी है, लकड़ियाँ लेके आओ या घास लेके आओ, लेकिन घर का काम इतना ज़्यादा होता है कि छोटा छोटा करते रहो फिर भी कुछ काम दिखाई नहीं देता, जैसा कहोगे वैसा ही रहेगा वो काम। लेते हैं ऊपर को देख, कर जीभ निकाल बाहर, जीभ निकाल बाहर जीभ निकाल, ये सेल्फी खींचने के लिए बिल्कुल तैयार है यार हमारी गाय। चलो गया अब दो खा दिया, अब तुमको घास डालते हैं ठीक है। किसी काम के नहीं आप दोनों, खाने के काम के आप दोनों, बस क्या करें फिर, टहनी भी तोड़ी फिर आपने माल्टे की, वो माल्टे की माल्टे तोड़ो जो बताते दो, दोनों लगे हैं टहनी तोड़ के रख दिए यार, माल्टा तोड़ने को बोला पेड़ तोड़ने को थोड़ा बोला है, बूबू ने लगाया है वो, आपने लगाया था तो आपको खाद लगती है। आज यहाँ पर इतना बड़ा लगा दिया ये मुड़ा आग सेकने के लिए, खत्म हो गया है
बिल्कुल आया नहीं, खत्म हो गयो। अच्छा वो खत्म हो गयो। अब कदो फोड़न छन ढूंग आज नई दोस्त बुला रही है नहीं यहाँ ये छोटे बच्चे रोड बनाने वाले हैं छोटे। ये बन कहाँ तक बन रही है रोड पता नहीं। तो दोस्तों दिन का खाना खा के हम लग गए हैं लकड़ियाँ लेने के लिए। आज पापा नहीं गए हैं तो मुझे ग्वाला नहीं जाना पड़ा, थोड़ा लेट हो गया था खाना खाने में। तो फिर पापा लकड़ी लेने नहीं मतलब लकड़ी फाड़ने नहीं गए, तो कल की बची हुई लकड़ियाँ जो हैं वो हम ले आते हैं मम्मी और मैं दोनों मिल के। फिर जो कल फाड़ेंगे तो वो कल लेके आएंगे, हमारे लिए हल्का हो जाएगा, इसीलिए हम दोनों आ गए हैं घर से। तो दोस्तों जंगल की ओर ना शाम के वक्त ही धूप पहुँच रही है, 3 बज गया है और अभी थोड़ी थोड़ी सी धूप यहाँ को आई है। जब हम सुबह के टाइम पे आते हैं उस टाइम पे यहाँ अंधेरा ही रहता है, लेकिन आज शाम के वक्त आए हैं तो थोड़ी थोड़ी सी यहाँ धूप दिखाई दे रही है और अच्छा भी लग रहा है। वरना बहुत घना जंगल है, बहुत डरावना जंगल है, तो डर लगती है, एक मुर्गी के उड़ने से भी मुझे इतना डर लग जाता है। तो आज ठीक ठाक हो रहा है। तो यहाँ पर को मेरी भारी तैयार हो गई है, अब मम्मी की हो रही है, तो बराबर तरीके से लकड़ियाँ रखनी पड़ती हैं तब जाके घर तक पहुँचेगा, वरना यहीं खुल जाएगी भारी। अगर मुझे बनाना होता ना मैं 10 बार बाट मिला खुल भारी फिर जब पूजनू घर। आज माता जी का फुल रेस्ट करने का प्लान था लेकिन मैंने घर में नहीं रहने दिया इन्हें मैंने कहा चलो मेरे साथ, कल को ये लोग हैं नहीं घर पे तो फिर मुझे आना पड़ता ना इसीलिए आज ही सारा काम करना है। वही तो मेरी मैल उन पड़ोल का तमीन लाए बना रही हूँ आज। यो इतनी तेज बहू किसी को मिलेगी? आपको क्या लगता है मैं कामचोर हूँ हैं? एक बार बोल दो जोर से कामचोर है करके। तो आपको क्या लगता है मैं बुतकार हूँ? देखा मेरी सास मेरी तारीफ कर रही है, किसी की सास ऐसे तारीफ कर सकती है अपनी बहू की? कोई भी नहीं करती होगी। बहू भी तारीफ के लायक होनी चाहिए ना, तभी तो तारीफ करी जा सकती है। तो शॉल जो हम घर से लेके आए थे वो अभी कमर में लगाने के काम आ रहा है हमारे, लकड़ियाँ चुभेंगी नहीं। ये वाला शॉल का सिरून लगेगा और वो वाला शॉल कमर में लगेगा। इसको भी एक कलाकारी ही कहेंगे भाई, कितना गोल कितना बढ़िया लकड़ी का खलिया बना रखा है। श्री श्री 1008 हमारी दादी माँ ने। ओजा अब ला गई हूँ एक भारी, इसको भी अम्मा रखेगी इसके ऊपर। अम्मा तो मैं चढ़ पा लाने टुक्का में साहिता ची पहले बार साहिता छू बोला मैं आज चढ़ना पड़ो तमिल में तल में बड़ी दूल तीन चढ़ला ताई चढ़ ली मल में तीन तेरा तल बड़े मुझे सिखा के जाना। अम्मा मैं सीख लूंगी तो मैं बना लूंगी अगली साल से। ओ तुम्हें बना ला मत के बनवा। दोस्तों लकड़ियां घर पहुंचते ही अम्मा शुरू हो गई अपने काम में। अम्मा कह रही है नहीं पूरी आए रहती हूँ, कल मुझे कहीं जाना है तो आज ही रख लेती हूँ लकड़ियाँ। तो आ गई है यहाँ पर, अब इनमें रखेगी दादी माँ हमारी लकड़ी। क्यों गुम शादी में खपल बोलो खपल बोलो आदल जी की बोलें जी। हाँ 1,25,000 रहना अम्मा पोरू इन पत्ते से मेरी वीडियो रोज आना उन्नर्जे वीडियो बनाए मेरे से नगा चाहे कदूर नहीं गांधी हो ना हो जाए अरे 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 लाइन रिया थी मल्ले पीछे ननु इला बैठन का बड़े शुरू करी तमिल कदू साल रह नहीं कदू साल रह पीला बैठन बैठन वह पहले की नहीं बैठा उब्रान बुद्धी है उब्रान ना बुद्धी है उब्रान क्या बात है उब्रान देख का बहुत दिल के वो दिल में बात है ना कभी ना आयो ना फिर आधे दिन लगा रहे हैं तमार शायद जूने वाले हो बिजान वो जाने आ गया क्या बेर वो जा वो बड़े आ गया हूँ बेजान रहे अरे अब ये रिवाज चलते रोल अच्छा ना माने जीजे नहीं पिछला वाल जीजे पहल एक दिन पर भी नहीं जाले मैंने 9 सूप दान कर 9 सूपा रात तो बड़े ब्याल तो कुट में भी आई जो लगी देख क्या खर्च है अपन का ले गया ताल घर में ना अपन का कुट ले आती मी ठेक हमारे गया ठेक ठेक लेने भी हुई तना रह गया मैंने अमा आ गया को कुछ
पर खमलेर ले जा ई तो धान को चले मैं गैस ल मेरी जियो तमा मैं का भी हो दीदी हाट बाजार जा इनर ले दीदी हाट है इनर छिला मेरी जो भनड़ा इल्ला है मैं लग 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 मैरिज बेटा मैरिज तो कोने उंदर ही दे बिंदु लव को दे लव मैरिज यो जा भाई साहब कद बड़ी स्कूल वो ठरे इंटरव्यू है सालो वो जा इंटरव्यू है वो जा इंटरव्यू वाले नहीं कदू पढ़िया मैं ही बताओ कल मैं ले आता है यो कल कल मैं आता है शेर आयो ने जनन करे तेरे पास है वो चाड़े की चाड़े नतनी बड़ा चाड़े की मणि किस होना मणि कहानी होना मणि के गाना गाना हमार कामले उन हमले शिकुना का है इला बैठा बस वो पुराने जमाने में बात करते मिल हमें ये दो काम कर वो दो काम कर की भी काम कर वैर लुली रहा तो ये वही पहले को काम बतौने ब्याबा अच्छा ना क्या जानू आप अब की जानू हम काम है बात हमें कर नजर यहाँ काम हुआ हमारे हमार बात है पीढ़ी चल है काम पछाड़ा नहीं की वो काम है तो मैं बुढ़े करो काम पिछला पिछला पीढ़ी एल तक बैरिशा एल तक उन्होंने उन अब पटाई हो रही सपन को काम करने टाइम पहले आ रही हो इतना डिमना लुमरी पोछा डोक पिछला इला आम लुमरान यो इला चाची लुमरान पाया हूँ आपने ठंडा हो रहा है पहला बच्ची रोटी ठीक हाँ तुम ठीक चाहिए क्या लुम सा डोक उनला कर दी हाल लुटी हाल हाल क्या होनी ना आखिर अम्मा आज आप बैठने क्यों नहीं आए हम आपको देख रहे थे हमने कहा आप आओगे तो थोड़ी बातें होगी आप आए नहीं एल तब गुबर बुझन आ गई हो काम से सबकी छुट्टी अभी हो रही है हम लोग भी अभी घर जा रहे हैं और नेपाली भैया भी अभी घर जा रहे हैं तो यार इनको तो पैसे मिलेंगे अब हमको क्या मिलेगा ये काम करके वही तो यार हम भी कल से पत्थर तोड़ते हैं थोड़ा पैसे तो कमाएंगे है ना अम्मा हमको वही दिन वारी देता तो मैं दिन भर गोबर फेंक देती रही अम्मा तो हम मैं को पान मतलब 500 तो नहीं तो 1000 रुपये दिनों में दिन भर गोबर खींच दिन चाचा जी तुम ठूल कशे छगे मिल मुड़ो मजबूरी है इससे इससे बड़ा तो मैं ही ला जाऊंगी ला लियो पढ़ना बच्चे भाई ना क्या रात की उम्र हो हमारी तब भी फौजी आदमी है आप फौजी से मतलब नहीं होता फौजी आदमी को बहुत ताकत होती है बताया आपको करना वाला आदमी सब कुछ कर लेता है तो गाइस चलते चलाते फिरते फिराते मैं पहुंच गया हूं रूम में और काफी अच्छा अनुभव हो रहा है आज एक चीज का मेरे को बहुत दुख हुआ क्या दिल से बहुत किसी की याद आ गई मेरे को किसकी याद आई मेरे होते हुए वो इजा किसकी याद आई नहीं तो मैं कह तो रहा हूँ घुटनों से आंसू आने वाले थे मेरे लेकिन मैंने संभाल लिया घुटना ये बहुत आके दिया मैंने इसमें कि आंसू ना आए किसकी याद आई करूँ क्या मैं किसकी याद आई छो यार एक लाख छो यार की करूँ बहुत याद आ गया दी बगार सुनो दी बगार ग्वाल जन्म दिन में वो याद आ गया खोलनी भी हूं मैं वही खोलनी भी हूं याद आ गया क्या था उधर ग्वाल जान क्या था उधर ग्वाल जान ये बताओ पहली टीम रोज में जमरी ग्वाल मतलब काल भी काल रोज में जमरी ग्वाल काल भी हो इधर का लो इधर का हाल मतलब ये नहीं कि उधर जाल तेज से इधर का लो इधर का हाल ऊपर हाल काट है ना वो ना वो अलग हाल छ है एक हाल छ न के करनु बात है उपाय की होल उपाय जी आप देखो ना एक जो आज सोच रही हूँ मैं खरीदने दर्द तो आज आई गया यार मणि आज दिख रही मणि मूक जा मूक वही जा पूरी छोल भरे मैं तो कहूँ यू को आए आज हमारे घर नहीं आप अगर बोलते नहीं तो मैं सच्ची में आपको घर से आउट करने वाली थी मैं कह बैग आया आज हमारे घर आप तो सो कॉली कपड़े ये बने तुमने आज ऐसे हे भगवान कपड़े देखो फिर इनके ये हैंडमेड बनियान है ऊन की बनियान है इससे काफी गर्म होता है और पहनने की आर्टिफिशियल पहनने की जरूरत नहीं है ना कृत्रिम वाला नहीं बनना है आप ये और ये थला मेल में ली मैंने टोपी आयल याद आ रहा है मैं पूरे दिन को पूछ मुरे में थला मेल में ली टोपी हैंडमेड है भी बनाई गई है ये देखो बढ़िया से कपड़े खरीद के और क्या कहना चाहोगे आपकी इतनी तारीफ कर रहे हैं लोग इतनी सर्दी हो रही है क्या ही कहें इतनी तारीफ कर रहे हैं आपकी लोग तो क्या कहना चाहोगे आप जागी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी उनके अच्छे विचार हैं वो कि वो मुझे पसंद कर रहे हैं मैं थोड़ी हूँ ऐसा जो सुनाई मैं गुंड
उनको अच्छा लग रहा हो अच्छी बात है। ना मैं हिटना हऊर, ना मैं बोलना हऊर, ना खाना हऊर, ने पसंद करम रहे ना बड़ी ब्यो है कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने मुझे पसंद किया। लेकिन उससे पहले हमारी देवी जी ने हमें पसंद कर दिया है, अब पसंद ना पसंद बाद में होती रहेगी। तो दो रोटी मिल गई और खा भी ली है, काफ़ी अच्छा लगा। मम्मी ने रोटी बनाई थी आज, तो कभी कभी बदलाव होना ज़रूरी है। तो दूसरे के हाथ की रोटी पसंद आती है, दूसरे के हाथ का खाना पसंद आता है। कल से मुझे बनाना है, तो कल मैं अकेली हूँ घर में, पूरा राजपाट मेरा ही होने वाला है। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, कल को मिलते हैं बढ़िया सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए, और मेरे को देखते रहिए। बाय बाय।